Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear student, assalamu alaikum. In this video, we will discuss about a very important theorem, sine theta by theta is equal to 1 when limit theta approaches to 0. And this is very important topic, especially exam point of view. It covers 8 marks, so let's begin. देखें ये थ्योरम की ये स्टेटमेंट है लिमिट थीटा अप्रोचेज टू जीरो साइन थीटा बाय थीटा इज इक्वल टू वन. तो इसको प्रूव करते हैं. बाहर देखा जाए अगर डायरेक्ट लिमिट पुट की जाए तो ये तो साइन जीरो जीरो बाय जीरो फॉर्म बन जाता है, ये वन नहीं होता. लेकिन इसको हम थ्योरम से अभी प्रूव करेंगे तो जो है वो ये आसानी से समझ आ जाएगा. ये देखें मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है. सबसे पहले एक सर्कल ड्रा किया जाता है, फिर ये उसका रेडियस हो गया और यहाँ पर ये कट कर रहे हैं यहाँ से, जबकि एक पॉइंट है पी, ठीक हो गया. ये तीन हमारे पास, ये ओ हो गया, ये ए नाम दे दिया इसको बी, और ये जो है वो पी हो जाएगा. ओ ए बी और ओ पी. यहाँ पे मैं इसको ये ड्रा करूँगा ये ए और बी के साथ. ये मैं इस सर्कल से ये थ्योरम जो है वो प्रूव होगा. इसमें देखा जाए तो तीन हमारे पास जो है वो बन रहे हैं, एरियाज बन रहे हैं. मैं यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूँगा एरिया ऑफ ए ओ बी, यानी कि ये जो ये है मेरे पास ये वाला, उसके बाद ये जो सेक्टर है, उसके बाद ये जो बिगर ट्रायंगल है, ये तीन पोर्शन मेरे पास हैं. ये इसका एरिया यहाँ पे इक्वेशन बना देंगे, एरिया ऑफ ए ओ ए बी इज लेस देन एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी एंड देन इज लेस देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए पी. ओ ए पी ये यानी कि ये जो एरिया है ये इससे छोटा है, ये जो सेक्टर है और वो सेक्टर इससे छोटा है, यानी कि ये तीनों इसके जो है वो बनेंगे. इस तरह ये प्रूव होगा. देखें यहाँ सबसे पहले इसमें यहाँ पे ये रेडियस है, इसको मैं वन कह देता हूँ यूनिट, और यहाँ पे ये जो एंगल बनता है वो है एक्स, और ये भी इसका रेडियस है ओ बी तक, ये भी वन हो जाएगा. तो सबसे पहले एरिया ऑफ ए ओ ए बी ये फाइंड किया जाएगा. एरिया ऑफ ओ ए बी जो बनता है, देखें ट्राइंगल का जो एरिया होता है उसका फार्मूला होता है 1/2 बेस इनटू हाइट. तो यहाँ पे ये इसकी बेस बनेगी और ये इसकी हाइट बनेगी. 1/2 बेस है इसकी ओ ए और साथ में ओ बी, साथ में जो एंगल आएगा वो बनेगा. देखें ओ ए और ओ बी ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया, इनके साइन ऑफ एक्स, यानी कि साइन ऑफ थीटा या जहाँ पर जो भी एंगल यूज़ करेंगे वो इसका बनेगा. लेस देन एरिया ऑफ ओ ए बी जो सेक्टर है ओ ए बी, सेक्टर भी 1/2 रेडियस का स्केयर, यानी कि रेडियस 1 है तो यहाँ पे 1 का स्केयर हो जाएगा, 1 का स्केयर, और साथ में जो एंगल यूज़ हो रहा है वो इज लेस देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए पी, ये जो बिगर ट्राइंगल है इसका एरिया जो है वो फाइंड करेंगे. तो ये भी बनेगा 1/2, बेस इसकी बनेगी ओ ए और इसकी जो हाइट है वो है ए पी, ए ऑफ पी जो है इसकी हाइट बनेगी. तो यहाँ पे देखें अभी मैं इसकी जगह पुटिंग करता हूँ 1/2 ओ ए और ओ बी जो है ये 1/1 रेडियस है इसका, तो मैं यहाँ पे 1 डाल दूँगा, 1 स्क्वायर बन जाएगा, साथ में साइन एक्स इज लेस देन 1/2 एक्स इज लेस देन, यहाँ पे लेस देन आर इक्वल टू भी हम लिख सकते हैं, लेस देन आर इक्वल टू 1/2 एक्स. वन ओवर टू ओ ए और ओ पी, ओ ए तो हमारे पास रेडियस हो जाएगा 1, सिंपल 1 होगा. ए पी जो है ये वाला देखें ये अमूद है, और इसका जब हम एंगल के साथ लगाएंगे तो अमूद बटा वतर, सॉरी अमूद बटा कायदा, इनके परपेंडिकुलर ओवर बेस 10 बनेगा. 10 एक्स में यहाँ पे लिख दूंगा, 10 ऑफ एक्स यहाँ पे लिखेंगे, 1/2 साइन ऑफ एक्स, 1/2 साइन एक्स इज लेस देन इक्वल टू एक्स बाई टू, लेस देन इक्वल टू टेंजेंट एक्स बाय 2. अब यहाँ पे पूरी स्टेटमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पीछे हमारे पास बचेगा साइन ऑफ एक्स इज लेस देन एक्स बाय एक्स इज लेस देन टेंजेंट एक्स बाय 2 कैंसिल हो जाएगा तमाम से मल्टीप्लाई करने से. उसके बाद अभी हम अगला स्टेप करेंगे, साइन एक्स से डिवाइडेड करेंगे. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाय डिवाइडिंग 2, यहाँ पे अभी करेंगे बाय डिवाइडिंग साइन ऑफ एक्स. साइन एक्स से जब डिवाइड करेंगे तो साइन एक्स बाई एक्स,
1 is less than x by sine, x by sine x is less than tangent x होता है sin over x, sin over cos, तो जब इसको sin पे डिवाइड करेंगे तो 1 over cos जो है वो सिंपल हमारे पास रह जाएगा। इसके बाद देखें जी, यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर देते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 लेस देन इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x बाय sin ऑफ x लेस देन इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 ओवर cos ऑफ x। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे 1 पे तो लिमिट अप्लाई नहीं होगी, 1 ही लिखेंगे, लेस देन इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x बाय sin x इज लेस देन इक्वल टू cos, यहाँ पे जब लिमिट पुट करेंगे cos 0 तो cos 0 1 होता है, 1 बाय 1 जस्ट 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्योंकि हमें प्रूव करना है sin x बाय x, तो मैं इसको रेसिप्रोकल इसका ले लेता हूँ। जब रेसिप्रोकल लेंगे तो ये टर्म, ये वाला 1 इधर पहले आएगा, 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x बाय x, sin x बाय x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो देखें 1 एक नंबर से बड़ा, एक नंबर जो है वो छोटा है 1 से, और फिर 1 से बड़ा भी है, यानी कि तकरीबन ये भी 1 ही है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं 1 इज ग्रेटर देन इक्वल, यहाँ पे सैंडविच थ्योरम की स्टेटमेंट का भी हम हवाला दे सकते हैं, लेकिन इस तरह करने से ये जो फंक्शन है ये हम 1 कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। इसका अगर ज्योमेट्रिकली प्रूव आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास प्लेन है और एक फंक्शन है हमारे पास ये जा रहा है, और दूसरा फंक्शन हमारे पास ये आ रहा है। तो यहाँ पे एक फंक्शन ये जा रहा है, ये यहाँ पे एक सर्टन पॉइंट पे अगर ये क्रॉस कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये तीनों बराबर हैं। तो इस तरह जब भी हमारे पास लिमिट साइन थीटा बाय थीटा इक्वल टू 1 आए, या लिमिट यहाँ पे ऐसी सिचुएशन बने, तो हम उसको 1 पुटिंग कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आई होगी। अगर कोई भी इशू आ रहा है, कोई स्टेप समझ नहीं आया, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।